नमो अरहंतारम नमो सिद्धारम नमो आर्यारम नमो वज्जायारम नमो लोये सर्वसाहुगम शुद्धात्मान मनेकांतम साधुमत्तम मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्ध्यर्थम संदृष्ट्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाज्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक जलाए वही शुद्ध परमात्मा वन्नो मन बचकार समय सार जिंदाज हैं स्याद वाद जिंगें मुद्रा जन निर्घंता नमो करो सत्य ओम नमः। जब जब ठगने की चर्चा चलती है हम सोचते हैं दूसरों को ही ठगा जाता होगा, लेकिन क्या सुंदर कथन किया है, वह आत्मा को ठगता है, वह अपने को ठगता है। कौन ठगता है? द्रव्य संग्रह टीका में कहा, जो केवल बाह्य धर्म की क्रियाएं करता रहता है अथवा बाहर शुष्क ज्ञान की चर्चाएं करता रहता है लेकिन अंतरंग के परिणामों की विशुद्धि का उपाय नहीं करता, जगत को प्रसन्न करने की चर्चा करे, लोक रंजायमान करने का प्रयास करे, तैयार करके अच्छा सुनाए सो सब खुश हो जाए, दूसरों को अच्छा खिला देवे पंगत करके और स्वयं रूखी रोटी खावे, किसी को आसन नहीं दिया, किसी को सीट नहीं दी, सुनना नहीं चाहते, बिल्कुल बिल्कुल पक्की। क्या कह रहे? यही तो कह रहे हैं, लोग को प्रसन्न करने का जो प्रयास करते रहते हैं काय के बल पर, बाह्य क्रियाओं के बल पर और छह उपशम ज्ञान की चर्चा के बल पर, वे अपने को ठगते हैं। बगुले के समान मायाशल्य है, मायाशल्य की परिभाषा में लिखा है वृद्ध संग्रह टीका, ऐसे बैठा है। वाल्मीकि रामायण में तो चर्चा ही आ गई उसकी, लक्ष्मण कह रहे हैं देखो ये कैसा बगुला शान से बैठा है, या राम कह रहे हो जो भी, सुरहा नहीं गया मछलियों से, कैसा शांत बैठा, हमसे पूछो सारा कुल खत्म हो गया। अच्छा लगता है, अपने को ठगते हैं, अपने को भी ठगा जाता है। जो इस मनुष्य पर्याय को पाकर के भी तपश्चरण नहीं करते, का देव बनकर के करोगे कि नारकी बनकर के करोगे तपश्चरण? नारक में तपश्चरण होता नहीं और देवों में भी नहीं होता और त्रियंचों में भी मुख्य रूप से नहीं होता। श्रावक की भूमिका में होने वाला एक देश वो संयम हो जाता है लेकिन मुख्य रूप से तपश्चरण नहीं होता। मुख्य रूप से तपस्या का अवसर मनुष्य पर्याय में है और मनुष्य पर्याय पाकर के भी तपस्या नहीं करें तो वह अपनी आत्मा को ठगता है। अपनी आत्मा को ठगने का मतलब अपने को ठगता है। आत्मा तो आत्मा ही रहता है लेकिन आत्मा की आराधना से उत्पन्न आनंद से वंचित रहता है।
अभी ये चर्चा कर रहे थे भैया, हम आ गए थे ऊपर मंदिर से, क्या चर्चा कर रहे थे, मुंह में मिर्ची हो और हैं उसमें सामने मिर्ची मिश्री हो, स्वाद काय का है। दृष्टांत तो हो गया, सिद्धांत क्या है, सिद्धांत क्या है? ऊपर भेद ज्ञान की चर्चा हो, अंतर में मोह हो, तो आकुलता होगी कि निराकुलता होगा? ऊपर क्षमा की चर्चा हो, भीतर में क्रोध हो गए तो क्या होगा? भीतर बाहर विनय की चर्चा हो और ऊपर ऊपर विनय की चर्चा हो, अंतरंग में अभिमान हो तो क्या होगा? निरंतर निरंतर प्रयोजन परक शैली सोचो और अकेले में बैठ करके खूब इसका अभ्यास करो, बैठ करके जब तक ये माया शैल निकल न जाए। छंडव मायाचारम योगिंदेव आचार्य महाराज योग सार जी में कह रहे छंडव मायाचारम, कैसे छोड़, कैसे छोड़े, कोई है उसका दुहा? जिन सो ही है आत्मा यह सिद्धांतिक सार, ज्ञान भव्य निज भाव को छाणो मायाचार। हमें शक्ति नहीं है, हमें बुद्धि नहीं है, ये मायाचारी है अंदर में, समझते हो हमें ज्यादा बुद्धि है, अंदर में समझते हो हमें बहुत शक्ति है, अथवा पाप करने के लिए खूब शक्ति है, और यहाँ प्रयोजन परक चर्चा है वहां कर, हमें शक्ति नहीं है, हमें बुद्धि नहीं है, हम क्या करें, हम समझ नहीं पाते और उल्टा हाल समझ जाते। आज हिंदुस्तान में भैया कानून का पालन क्यों नहीं हो पाता? राष्ट्रपति पहले वाले जो थे ना, उन्होंने कहा था, क्या नाम वो कलाम, कि बंबई में उतरते ही क्या हो जाता है, अमेरिका में नियम का पालन करता, बंबई में उतरते ही क्या हो जाता है, उसको ये हो जाता है कि कुछ नहीं होगा करने, वो सिपाही अपनी ड्यूटी पर खड़ा रहेगा, तुम अपने करते रहो, कुछ नहीं होगा, वहां चालान हो जाएगा, ये दिमाग पे है। कानून का हमने उल्लंघन किया, गंदगी फेंकी, वहां चालान हुआ और यहां कुछ नहीं होगा, ये दिमाग में जब तक घुस गई, अब पालन नहीं हो सकता कानून का, कुछ नहीं होता, क्या होगा, ज्यादा ज्यादा नाराज हो जाएंगे, ज्यादा ज्यादा उठा देंगे, ज्यादा ज्यादा प्रवचनमंद हो जाएगा, कुछ नहीं होता, ये नहीं पता भी है, चारवाक मती बने रहोगे, ये नहीं पता कैसे कर्म का बंद होगा कि अनंत काल में मनुष्य पर्याय पाना दुर्लभ हो जाएगा, आपको वहां से वहां तक खड़े खड़े बस में यात्रा करनी पड़े, कैसा लगेगा तुमको, आज तो मर गए, थक गए, खड़े खड़े आना पड़ा, सम्मान लेना नहीं, सम्मान देना सीखो, बात्सल्य लेना नहीं, बात्सल्य देना सीखो, चले हो हाँ, बस बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, देना भी सीखो उसी भाव से, उसी भाव से, जिस भाव से तुमने ग्रहण किया उसी भाव से देना भी सीखो, ले नहीं, तुम तो भैया रोज कर रहे, हम हमाओ ने कमाओ, लग गया तन, लग गया मन, लग गया धन, लग गया कछु तो जो है सो लग गया, अरे ये तुम्हारे नहीं है, क्या तन मन तुम्हारे थोड़े ही है, धन तुम्हारा थोड़े ही है, तुम्हारा उपयोग है, उपयोग लग गया, ये तुम्हारा नहीं है कुछ, धन लग गया तो हम सोचे हमारा कुछ लग गया, अरे धन हमारा नहीं है भैया, अभिमान से दान देते समय अभिमान की का फल होगा कि दान का फल होगा, बताओ, इन अभिमान से दान देने वालों जीवों को कितने अहंकार से कितनी कसा क्रोध उत्पन्न होता है, कितना हमारी पटिया क्यों नहीं लगी, हमारे फोटो क्यों नहीं आया,
हमारा नाम क्यों नहीं लिखा गया, हमारा फलाना क्यों नहीं हुआ। और जैसे अपने कार्य के लिए दान देना है, धर्म कार्य से धर्म भावना है, लिखो नहीं लिखो का करने, आप भूल गए गलती हो। हाँ भूल तो जाओगे, पैसा लेने के लिए थोड़ी भूल गए थे। ये क्रोध क्यों आ रहा है, अंदर में वासना है अपनी तरह। नहीं यार कौन को नाम कौन को दादा फलानो काम आओ कोई बात, अरे कछु हाथ थोड़े का बात है, काम होगा, काम होना चाहिए। सोचो विचार करो, मुंह में मिर्ची होगी, थाली में मिश्री होगी तो स्वाद मिर्ची का आएगा। अगर ऊपर वेद ज्ञान की चर्चा होगी और ऊपर अगर धर्म की क्रियाएं होंगी, अंदर में कथाएं होंगी तो कथाओं की आकुलता होगी, मन नहीं लगेगा। वक्ता लोगों का सुनने में बहुत कम मन लगता है, सच कह रहे हैं बात, उनका मन लगेगा जो अपने को वक्ता नहीं समझ रहे, आत्मार्थी समझ रहे, भैया चलो कथा। और नहीं तो सुनने में मन बहुत कम लगेगा, सुनाने में मन लगेगा, समझाने में मन लगेगा, समझने में मन नहीं लगेगा। अगर हम अभी पूछ लें तो बोलेंगे नहीं, और यहां बैठा दें तो इस घंटे की जगह सवा घंटा बोलेंगे, सच के। तो ये मन क्यों नहीं लग रहा, तो भीतर मिर्ची भरी है, ऊपर मिश्री भरी है। माया शल्य यही तो होती है, मन में कुछ, वचन में कुछ, काया में कुछ, सामने कुछ, पीछे कुछ। गा रहे इंद्रादिक पद नहीं चाहूं, और जी देख रहे कुछ फायदा तो भाव ही नहीं, आठ दिन पूजा कर तो हो गई, ये पूरा ठीक ही नहीं। वो बिन्ने से कही थी कि तुम्हारी दुकान खूब चलन लगेगी, और ये हम तो पूजा कर दो महीना हो गए कछू नहीं भाव, तुमने पूजा करी कहां। पूजा करी होती तो दुकान की ओर से उपयोग हट गया होता, और जब निष्काम भाव से पूर्ण होता तो दुकान क्या कहें, दुकान की जरूरत नहीं रहती, तुम्हारी दुकान खुल जाती। तुम्हारी दुकान खोलना मैंने समझ गए, अपना उपयोग अपने में हुआ और खूब आनंद की आमदनी, आनंद की आमदनी, अपनी दुकान खोल गई। भीतर काय का फल, पहला वक्त क्या बोला था, लोग जब जब ठगने की चर्चा आती है, देने की चर्चा आती है, लेने की चर्चा आती है, करने की चर्चा आती है, ऐसा लगता है दूसरों के। बाजराज मुंडराज ने एक ही भाव स्तोत्र में लिखा, सुरपति सेवा करे कहा प्रभु प्रभुता तेरी। जो इंद्रादिक आपकी सेवा करते उससे आपकी प्रभुता थोड़ी बढ़ गई कुछ, सो सलाग न रहे इसमें, ये तो इंद्र की प्रभुता है। सो सलाग न रहे मिटे जग सो भव फेरी, संसार की इसकी फेरी का अभाव हो गया। सुरपति सेवा करे कहा प्रभु प्रभुता तेरी, सुरपति आपकी सेवा कर रहा है, ये आपकी प्रभुता नहीं बढ़ रही, ये इंद्र की प्रभुता बढ़ रही है। आप पूजा कर रहे तो भगवान की प्रभुता पूजिता हो बढ़ गई है, नहीं आपकी भी शुद्धि बढ़ गई है, आपकी प्रशंसा बढ़ रही है, आपका यश बढ़ रहा है, आपका अंदर में संतोष बढ़ रहा है, आपके अंदर में वेद ज्ञान की चर्चा बढ़ रही है, अंदर में वेद ज्ञान। जब एक न्याय है भैया, जब संप्रदान कारक स्वयं का स्वयं में ही होता है तो दूसरे के लिए करे तो करना चाहे तो नहीं कर पाए। करना चाहे तो नहीं कर पाएगा। पांडित राजमल जी ने क्या लिख दिया, काल लब्धि बिना करो उपाय करे, कर सिद्धि नहीं हो क्या करें। आदि ईश्वर जैसे समझाने वाले और मनुष्य पर्याय में और
कैसे कुल में वहां समझ में नहीं आई, सिंह की बरिया में आ गई समझ, आ गई तो आ गई, कौन समझा। देखिए अधूरा इतना मत करो स्वाध्याय, आगे करो स्वाध्याय, क्या कौन समझा। तो इसलिए समझाने का भाव छोड़ करके समझने की चेष्टा निरंतर करते रहना, समझाने का भाव छोड़ करके निरंतर समझने की चेष्टा करते रहना। क्यों, दूसरा तो उसकी योग्यता होगी, पुरुषार्थ होगा, विनय होगी, भक्ति होगी, विशुद्धता होगी, समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा। अब उसका क्षयोपशम नहीं होगा तो नहीं समझेगी, क्योंकि ये कभी नहीं समझेगी, उसमें ज्ञान नाम का गुण ही नहीं। ये माइक आवाज को यहां पहुंचेगा लेकिन ये कभी नहीं समझेगा, ये सुनेगा ही नहीं, क्यों, इसको इसमें है ही नहीं ज्ञान नाम का गुण। जैसे ही अचेतन नहीं समझेगा, इसी प्रकार से अचेतन को अपना मानने वाला भी कुछ नहीं समझेगा। जो अचेतन को ही सर्व अपना मान रहा है, अचेतन को ही सर्वस्व मान रहा है, मेरा नाम, मेरा कुल, ये सब मेरे काम, ये मेरी प्रतिष्ठा, ये मेरा पद, कुछ नहीं समझ पाएगा, कुछ नहीं समझ पाएगा। जल जो पत्थर मेन समावे, त्यों मानी निज बोध न पावे। काय के लिए उपदेश है, टोटरमल जी से पूछो, ऐसा माया का परिणाम अपने अंदर में हो तो दूर कर लेना, औरों की मायाचारी की निंदा करने से तेरी कार्य की सिद्धि नहीं होगी। ये बड़ा मायाचारी है, अरे बड़ा छोड़ रहने दो, तुम्हारे अंदर में अगर मायाचारी का परिणाम है तो तुम छोड़ दो, उसकी बड़ी है तुम्हारी छोटी है, चलो तुमने मान लिया, तुम्हें कम मायाचारी। लेकिन हमने क्या दृष्टांत दिया था, दूसरे का कैंसर भी अपने लिए पीड़ा का कारण नहीं, अपने फुड़िया थोड़ी सी इतनी सी कहां अपने को पीड़ा उत्पन्न करेगी। दूसरे का इतना बड़ा दोष तुम्हारे दुख का कारण नहीं है, तुम्हारा इतना सा दोष दुख का कारण। दोष पराये देख के चले हसंत हसंत, मत हंसो, अपने दोष को देखो। और तुम कहते हो हमें कोई दोष नहीं है, तो ग्रंथकार कहते हैं, टीकाकार कहते हैं कि दूसरे का दोष देखना यही महादोष है। क्रोध में शत्रु का नाश करना चाहता है तो नीचकार कहते हैं क्रोध से बड़ा शत्रु कौन है, उस क्रोध का ही नाश कर ले। तेरा शत्रु तो तेरे भीतर है, वो क्रोध का परिणाम, उसको अभाव कर ले। जो तपश्चरण नहीं करते हैं, मनुष्य पर्याय पाकर के भी, अकेली मनुष्य पर्याय की बात ही नहीं है, मनुष्य पर्याय मिली, तपश्चरण करने का अवसर मिला, वितरागी देव सास गुरु मिले, नहीं तो तप के नाम पर कुतप में पड़ जाता तो क्या होता। कितने लोग तप के नाम पर क्या कर रहे हैं बतावा, वो भी तब कर रहा था जब पार्श कुमार गए थे, उसकी कल्पना तपई की तो थी, हे तपसी क्या कर रहा है, इस लक्कड़ में नाग नागनी का जोड़ा बैठा, तू बड़ा बल ज्ञानी आया, ना तो नमस्कार ना कुछ, और आ गया हमें उपदेश देने, कहां है देखता हूं, ले कुराड़ी फाड़ने बैठ गया, बेचारे कट गए, क्रोध में सुन नहीं सकता, क्रोध में दया नहीं होती, कसाय की तीव्रता में दया का परिणाम नहीं होता, कसाय की मंदता हो तब व्यवहार दया होती है, और कसाय का अभाव हो तो परमार्थ दया होती है। दया की भावना भाते हुए क्या लिखा है जो आप पढ़ते हो, पर वस्तु में मूर्छित न हूं इसकी रहे मुझको दया,
कोई जीव की विराधना ना हो, ये तो सावधानी रहे, लेकिन मैं बचा सकता हूं मार सकता हूं ये मान्यता ना रहे, और नहीं तो उसकी दया और अपनी अदया। समझाने का भाव तो आता है, लेकिन मैं समझा सकता हूं ये मान्यता नहीं होती। हमने कितनी बार कहा ये क्या है, ये वस्तु स्वरूप की सिद्धि कर रहे हो तुम सब जन, न होते हुए कार्य को कौन करेगा, एक कार्य में अनेक कारण होते हैं, जिसके लिए आसन है उसका भी पुण्य चाहिए, तुम्हें भी पुण्य चाहिए, नहीं दे पाओगे उसको जिसका पुण्य उदय नहीं। सच्ची बात तो देखो, वस्तु स्वरूप तो वस्तु स्वरूप है, उसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे, हम आपसे वही व्यवहार कर पाएंगे जैसा आपका उदय होगा और जैसे परिणाम होंगे। चरणान योग से दोषों की निंदा होती है, गुणों की प्रशंसा होती है। करणान योग से कहें तो कैसे कहेंगे, अच्छे कार्य करते हुए भी अगर निंदा कर्म का उदय है, शब्द हम बोल गए निंदा, अयत या निंदा कुछ भी समझ लो, तो अच्छे काम करते हुए भी निंदा होती है, और काम इतना करो और प्रशंसा इतनी मिल जाए, कर्म के उदय में पुण्यवंत नर जहां जहां जाए तहां आदर होत बना, अपने राज्य में जैसा आदर नहीं तैसा विदेश में मिल जाए पुण्य के उदय से, श्रीपाद जहां गए वहां आदर मिल गया, और अपने नगर में आए तो युद्ध का मौका बन गया। चाचा वीर रमन कह रहे कहां का श्रीपाल, वो हमारे सामने लड़का था खेलता रहता था, ऐसे राज मिलते हैं। चाचा अच्छा नहीं लगेगा युद्ध करते समय, युद्ध में चाचा भतीजे होते हैं, राज्य में चाचा भतीजे होते हैं, आमने सामने खड़ा हो, लेकिन श्रीपाल की सज्जनता देखो, श्रीपाल की महानता देखो, चाचा को ऐसे उठाया और ऐसे खड़ा कर दिया। और परिणाम बदल गए, वीर दमन भी कहने लगे बेटा अपने पिता का राज संभाल, मैं तो देख रहा था मेरा कुल धन्य हो गया, अब मैं दीक्षा लूंगा। बताओ सब जगह युद्ध में जय जयकार, और गांव में आए सो ऐसे ठाड़े हो गए, लोग कह रहे थे बता हम क्या कि इतनी दूर दूर के आके सुन जाते और इन गांव वालों को क्या होगा, हमने भाई हम क्या करें क्या हो गया, इतनी दूर दूर से आदमी आया गांव वालों का होगा, कछु नहीं होगा होना अरे। भरत चक्रवर्ती वो देख लो, छह खंड की विजय कर आए और अयोध्या बिठाड़े हो गए, अयोध्या पर चक्र खड़ा हो गया, क्यों कि भाई भाइयों को भी अधीन करना पड़ेगा, धिक्कार है इस चक्रवर्ती पद को, अरे ले लो, और हम कहते बड़े भाई की आज्ञा के अनुसार रहना, इसमें कोई अधीनता की बात है कोई, लेकिन आ गई बात जिनको जिनके दिमाग में, हम झुकेंगे नहीं, हम दीक्षा ले जाएंगे, और नहीं हम झुकेंगे नहीं, हम सामने खड़े हो जाएंगे। भरतीय स्वयं में उसको कैसा नाटकीय मोड़ दिया है, भरत चक्रवर्ती सामने हैं और बाहुबली सामने खड़े हैं। भरत चक्रवर्ती बोले भैया काय को सामने खड़े, अच्छा लगेगा हम लोग युद्ध करें, और कोई हो तो हम करते ही होगा, हम क्या करें बताओ क्या करें कैसे करें, अरे ये बताओ हम बड़े थे तो तुम्हें बुला लो, तुम हमारे पास आए का परेशानी हो जाती, अरे हम अपने लिए राज्य नहीं करके लाए, वो विजय करके नहीं लाए, तुम्हारे लिए लाए, ले समारो ले समारो, और हमारे तुम्हारे बीच में ये चक्र आ गया है, चक्र को एक लात मार दी, एक तरह जा बावली के पास जा, लेकिन वो कैसे जाए जिसका पुण्य का उदय उसी के पास तो लौट जाए, इतना बढ़िया प्रसंग माने मार में, चक्रवर्ती ने चक्र चलाया नहीं,
एक ऐसे धक्का दिया कि जा बावली के पास जा। और चक्र वहां तक गया और फिर लौट करके आ गया। उसने सिद्ध कर दिया चक्रवर्ती भरत ही है। चक्रवर्ती तो जिस पुण्य के उदय से होता है वह पुण्य भक्त का है, बावली का नहीं है। बावली बलवान है, ऋषभ देव का पुत्र है, कोई दिक्कत ऊंचा है, 525 धनुष की काया है, कोई बात नहीं, लेकिन चक्रवर्ती तो जरा एक पुण्य नहीं है, क्या करे बता। अब बाहुबली सोचने लगे धिक्कार है, कहा भाई के सामने खड़े हो गए, सही तो कह रहा है। अब कहा हम राज्य करें, कहा लौट के जाए, कहा करें, हैं माता क्या कहेगी, कर लाई मन की सुनंदा क्या कहेगी, अब तो दीक्षा लेकर के आते। इसीलिए तो पूजा की जयमाल में हमने ये प्रसंग नहीं लिखा है, कर्मों की विचित्रता युग युद्ध का प्रसंग पता। अरे उस समय क्या हुआ वो उस समय की बात है, लेखक ने काय के लिए लिखा है, लेखक ने हमें शिक्षा देने के लिए लिखा है। मूल कथाएं वही होती हैं प्रथमान योग में, लेकिन उसका जो उपदेश है वो अपने उपदेशक के अनुसार होता है, वैराग्य का पोषक, ध्यान रखना वैराग्य का पोषक। अब हम किसको हीन कहें किसको श्रेष्ठ कहें, भरत का हृदय भरत ही जानते हैं। सोचो है युद्ध में दिग्विजय करके आए होंगे और 100 भाई के 100 भाई दीक्षा लेकर के चले जाएंगे, कहा कैसो लगो होगो। अपन कोई बढ़िया कार्यक्रम करें और भाई अपना अलग खड़ा हो या चले गया हो और अकेले हो तो कैसा लगेगा, कैसा लगेगा। सब कुछ होते हुए भी एकदम, ये तो राग की दशा है, ये राग के खेल है, वो क्या करें भाई, हमें दशा न अलग चाहिए, राग अलग चाहिए। जिन भाइयों के साथ खेले कूदे पढ़े साहब व्यक्ति और भी दीक्षा लेके चले गए, अब अयोध्या में अकेले आए गए, कैसे अच्छो लगते हो, जब 100 भाई बैठे होते और वे सब राजा बैठे होते अलग। लेकिन योग है भाई, करें क्या, इसी का नाम अब सर्पणी काल है, जीवों के परिणामों की विचित्रता है। ऐसा जान करके हे भाई तुम खेद मत करना, भेद करना, यहाँ ऐसा ही योग है। तो साथ ये बताओ गलती कौन की, भरत की के बावली की, अब हम क्या बता दें गलती। दोनों तद्भव मुख्यगामी हैं, दोनों सम्यक दृष्टि हैं, अब हम कौन की गलती बता दें, क्या कहें, बावली की गलती थी, भरत की गलती थी, अरे भाई कोई की गलती नहीं थी, ऐसा ही योग है। कर्म के उदय जनित अवस्थाओं को भिन्न जानना चाहिए और उनकी उदय जनित अवस्थाओं को जान करके विरक्त होना चाहिए, इसमें गलती और सही और राग द्वेष में मत पड़े रहे। ये तो तुम्हें समझाना हो तो तुम्हारी गलती कहेंगे, इन्हें समझाना हो तो इनकी गलती कहेंगे, ये तो ग्रंथकारों की शैली है। एक व्यक्ति दूसरे की शिकायत करने आया तो हमने उसी को समझा, हमने बेटा तुम ही गम खा, बोले हम तो आपके पास आए और हम ही दवा नहीं रहे, तुम्हें क्षमा कर, तुम्हारी शांति करा रहे, तुम ही गम खा, क्या बात है, क्या फर्क पड़ रहा हो, हम ही वो आएगा तब उससे कहेंगे, अब तुमसे बाकी कहें बात है तुम्हारी कहें तो ऐसे कैसे काम चलेगा, बोलो तुम तो हमारे पास काय के लिए आए, शांति के लिए आए ना, तो शांति तुम्हें ऐसे मिलेगी, तुम अपनी कथा छोड़ो। वो कथा छोड़ भी देगा और तुम कथा नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, वस्तु स्थिति है।
हम बैठ करके स्वाध्याय करने लगे, प्रवचन नहीं कर रहे, स्वाध्याय कर रहे, चर्चा कर रहे, ये ध्यान रखना। प्रवचन नहीं कर पाए, प्रवचन किसको कहते हैं, क्या कहें हम? और तुम्हारे मन में वही बता हमको, अब तुम्हें क्या समझ में आया, क्या समझ में आया बताओ, क्या करेंगे? कुछ समझ में नहीं आया। तुम भी दो मिनट में ऐसे ही भ्रष्ट हो जाओगे तब तो समझ में आएगी, और ऐसे भूल जाओगे तो नहीं समझ में आएगी, कल फिर वही होगा। नोट करो और बस अपना काम करने लगो, उसके बाद फिर विचार करो बाद में। क्या कहा था जी? कही जी, अच्छा अब न हो जाए जान। अगर वैसे ही भूल जाओगे और बस प्रसन्न हो गए तो कुछ नहीं होगा, और वैसे खेत में बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा, शैली गलत है। कई बार वक्ता लोग हमारे अंग्रेजी बोलने लगते अशुद्ध, संस्कृत बोलने लगते अशुद्ध। हम जी पूछ रहे तुम क्या दिखाना चाहते हो, हिंदी क्यों नहीं बोल रहे? क्या बात है, हमको नहीं आती अंग्रेजी, हमको नहीं आ रही संस्कृत, कोई बात नहीं। अशुद्ध संस्कृत बोलने से तुम क्या दिखाना चाह रहे? क्या सब मूर्ख बैठे हैं? एक जगह कोई आयोजन हो रहा होगा किसी, और हम कमरे में बैठे तो कान में पड़ रहा, वो माइक लगी रहती, तो हमने ये तो गलत बोला है, अशुद्ध बोला है मन में कर। फिर हमने सोचा ऐसे ही अगर हम यहां बैठ करके अशुद्ध बोलेंगे तो सामने वाला भी सब कोई मूर्ख सब करती नहीं बैठी, वो कहेगा कि ये अशुद्ध बोल रहा है। ये कभी मत सोचो। कई बार वक्ता के साहस को बढ़ाने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए कहे तुम जो समझो सब मूर्ख बैठे, कभी मत समझना सब मूर्ख बैठे, और नहीं तो अभिमान की पार पर चढ़ जाओगे, मनमाना बोलने लगोगे। सब मूर्ख नहीं बैठे, सब भगवान है, भूले भगवान है, और पता नहीं इनमें कौन कितना अभ्यासी है। कभी मैं सोचना सब मूर्ख बैठे हैं, और मैं बोल चले जा रहे चाह कर। दुनिया को मूर्ख समझोगे तो अपने को अभिमान आएगा कि नहीं? अभिमान आएगा। कम बोलो, प्रामाणिक बोलो, जिन बचनों की आदर करो, अपने बचनों की संभाल करो, एक अक्षर भी हमारा अगम विरुद्ध न हो जाए। अगम विरुद्ध माने अगम के अभिप्राय से विरुद्ध नहीं हो जाए, माने स्वच्छता का पोषक न हो, रागादिक का पोषण करने वाला न हो, प्रमाद का पोषण करने वाला नहीं हो। महाराज जम, अरे हम क्या हो गो ऐसे तो हो गया, प्रमाद का पोषण करने वाला तुमने उपदेश दे दिया है? वो जरा सी बिलछानी फैट गई सो सासू ने आज भोजन का त्याग कर दिया, और घी फैले हो तो कुछ बात नहीं बहू, कोई बात नहीं, जारी हिम्मत आ गई सो पूछ रही उस दिन आप कि बेटा इतने जीवों की हिंसा हो गई, तुम कह रहे कछु नहीं हो। हम कितनी बार कहते हैं अपने दिमाग से निकाल दो बिल्कुल कि कुछ नहीं होता, बाहर का दंड न मिले तो ये मत सोचो कर्म का बंद तो हो रहा है, प्रति समय उस कर्म दंड से कैसे बचोगे? उस दंड को मानते ही नहीं हो, और वो दंड पक्का है, कच्चा नहीं, बिल्कुल कच्चा नहीं, बिल्कुल पक्का दंड है कर्म का दंड। नियम सार जी में चर्चा आई है, आत्मा निर्दंड है, जब तक आत्मा को नहीं समझोगे तब तक तुम्हें न कर्म समझ में आएंगे, न उनके फल समझ में आएंगे, न उनके बंध के कारण समझ में आएंगे। क्या होगा तो भैया बोले 10 लक्षण पर्व चल रहे, यहाँ तो क्या करें, क्षमा वाणी आ रही, हाँ तो गलती क्षमा ही मांग रही। बोले हमारी क्या गलती, सो हम क्षमा मांग रहे, हमारी क्या गलती, हम क्षमा मांग रहे, तो क्षमा कर ही दे, मत मांगो क्षमा कर ही दे, फिर हम कहा क्षमा, हम कहा क्षमा कर दे। जी हालत है, जी हालत होती है, क्षमा करना और क्षमा मांगना
ये तो ज्ञानी का काम है, अभ्यासी का काम है, विशुद्ध परिणामी का काम है। क्षमा दोष होने पर भी जो क्षमा नहीं मांगता वह तीव्र कसाई है, और क्षमा मांगने पर भी जो क्षमा नहीं करता वह उससे भी ज्यादा तीव्र कसाई है। जब वो क्षमा मांग रहा आप क्या करे और बता। एक दुआ हिंदी में पढ़ा तुमने, रहमन बिनर मर चुके जे कहूं मांगन जहां, और उनते पहले बेमुए जिन मुख निकसत ना। वो तो बेचारा मांगने के लिए खड़ा है और तुम कह रहे नहीं, तिन मुख निकसत ना, बे उनते पहले बेमुए। ऐसे ही क्षमा समझ लेना चाहिए। और कोई भी अपराध हो, कोई भी परिणाम हो, बाद में क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता, अंत में क्षमा होगी। दस भाव के बाद भी क्षमा शरण हुई कमठ के लिए और क्या हुआ बता? दस भाव के बाद भी क्षमा ही तो शरण हुई। दस भाव को जान दे, संजयंत के मुंडा के समय तक वो बैर बांधे रहा, सत्य घोष का जी श्री भूति पुरोहित, अंत में विद्युत से क्षमाई तो शरण हुई। वह अपनी आत्मा को ठगता है जो तपश्चरण नहीं करता। मुख्य रूप से अंतरंग तपों को लेना, अंतरंग तप को तपश्चरण मुख्य सेता से कहते हैं, और बहिरंग तपों को तपश्चरण इसलिए कहते हैं वह अंतरंग तप के सहायक निमित्त है। उपचार से बहिरंग तपों को तपश्चरण कहा है, तपश्चरण तो अंतरंग का तपश्चरण, जैसे मूर्छा अंतरंग का परिग्रह है और उसका उपचार इस बाह्य परिग्रह में कहा और उसको भी परिग्रह कहा, ऐसे ही बहिरंग पर तपश्चरण जैसे प्राश्चित। अब ये समझ लेना, जो तपस्या नहीं करते माने अपने दोषों का प्रायश्चित नहीं करते, वे अपनी आत्मा को अपने को ठगते हैं ये कह रहे। तप तप करते रहोगे, तप तप करने से काम नहीं चलेगा। अब देखो जब प्रायश्चित है तो प्रायश्चित में क्या करेंगे, आज अनशन उपवास है तुम्हारा, दो उपवास जा, यही तो करेंगे। आज अमुक रस का त्याग जा, प्रायश्चित क्या देंगे और क्या समझाएंगे बाहर में। तो बहिरंग तप तो अंतरंग तप को बढ़ाने के लिए हैं, बहिरंग तप अंतरंग तप की सिद्धि करते हैं। अंतरंग तप होता है तो बहिरंग तप सहज होता है, और अंतरंग बहिरंग तप देख करके सुन करके पढ़ करके कर भी न लगे मान कसाय से, और अंतरंग तप नहीं हो तो कोई मतलब नहीं। अंतरंग तप काय के लिए बोल, अंतरंग तप आत्म कल्याण के लिए है, बहिरंग तप जब अपने दोष का प्रायश्चित करते हैं तो कैसे करोगे, अनशन करोगे, ऊन उदर करोगे, रस परित्याग करोगे, दो घंटे मौन रहोगे आप, या अकेले बैठे तुमसे कोई नहीं बोलेगा, तुम भी कोई चीज नहीं बोलोगे, हो गया प्रायश्चित। हमारा मतलब वचन संबंधी दोष हो गया ना तो ये प्रायश्चित दे दिया। अब विविक्त सही आसन तप है, बोलो आगे खड़े रहो, जाओ वहीं खड़े रहोगे, जहां ये कल घटना घटी है, तुम्हारा विवाद हुआ है, वहीं जाकर के खड़े रहो। अब बता तो क्या ध्यान नाम का प्रायश्चित है या कायोत्सर्ग नाम का तप है? बहिरंग बहिरंग तप तप नहीं है, अंतरंग तप तप है, ये समझ लेना चाहिए। लेकिन अंतरंग तप जब होता है तो उस बहिरंग तप को भी तप कहा जाता है, अंतरंग तप के बिना बहिरंग तप अकेला तप नहीं कहलाता। बादाम की मिगी के साथ छिलका हो तो वो बादाम कहलाता है,
अगर मिगी के साथ में छिलका है तो वह भी क्या है, बादाम है। और कीमत काय की, बादाम की। और अगर मिगी नहीं है तो का है, बताओ। ये तो हो गए का भाव। अरे 10 रुपया कम दे दिए, 10 रुपया कम करेंगे का हम। रस के साथ में वो फल फल कहलाता है, और रस नहीं हो तो क्या कह रहा है तो बताओ, क्या करेंगे जाओ। हमने एक नींबू डाल दिया, अरे एक नींबू और दो नींबू की बात नहीं है, एक नींबू में अगर रस ज्यादा है तो आधा डालो, और रस कम है तो दो डालो। हमें तो रस से मतलब है कि नींबू की गिनती से मतलब है, तो बहिरंग तपों से मतलब है कि अंतरंग तप से मतलब है। और उपवास करके अगर आप स्वाध्याय नहीं करोगे तो क्या करोगे बताओ। दिन भर बिकथा करती रहो, घर के कामों में लगी रहो, तो उपवास क्या लाएगा वो तुम्हारा। तो अब एक एक में इसकी खोल खोल करके लगाओ क्या। जो मनुष्य पर्याय पा करके, ऐसा ऐसी उत्तम बुद्धि पा करके, गति नाम के और एक भाव कल हम पढ़ रहे थे, इसमें भावी काम है। तो मनुष्य गति माने मनुष्य के योग्य सारे परिणाम। मनुष्य के बालक का जन्म होगा तो अलग प्रकार का, वो ऐसी आंख बंद पड़ा, और गाय का बालक होगा एक नंबर से दौड़ने लगे, होगा अंतर होगा दोनों में कि नहीं होगा बताओ। मनुष्य में मनुष्य गति जैसा, उसको अगर क्रियाएं होंगी वहीं पेशाब कर देगा, वहीं वो करने लगेगा, वहीं भोग करने लगेगा, वहीं सब खाने लगेगा, करने लगेगा, वहीं गोबर कर देगा चाहे कहीं। और आपको लगेगी अगर कुछ विकल्प तो उठ करके चले जाओगे, कपड़ा बदलोगे, पूजा के कपड़ा पहने तो कपड़ा बदलोगे, फिर तब कर पाओगे, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। और वो होगा जहां से बंद कर दिया। तो मनुष्य गति का मतलब ये है मनुष्य के योग्य सारी प्रकार की, उसी प्रकार की बुद्धि होगी, उसी प्रकार के वचन होंगे, उसी प्रकार की चेष्टाएं होंगी, उसी प्रकार। अब मनुष्य का बच्चा खड़ा होगा तो 2 पैर पर खड़ा होगा, और गाय का बच्चा खड़ा होगा तो 4 पैर पर खड़ा होगा। तो अकेले गति माने गति नहीं है, उसी प्रकार की अंतर में परिणति होगी, उसी प्रकार की चेष्टाएं होंगी, उसी प्रकार के वचन। मनुष्य पर्याय दुर्लभ है मनी, एक प्रकार की आंख दुर्लभ है जो ऐसे घुमा करके देख लो आप भक्ति। तो ऐसा मनुष्य पर्याय पा करके, और खेडाला में एक शब्द और जोड़ दिया, यह मनुष्य पर्याय जो यहां बैठे हो और सुन रहे हो, इतनी शक्ति है तुम में, इतनी शक्ति है, बैठ सकते हो, बैठने की शक्ति नहीं होगी तो क्या करोगे तुम। आज तुम्हारे पास पैसा है तो तुमसे दान की कहेगा, और पैसा नहीं हो तो तुमसे को कहेगो, हमसे कोई नहीं कह का दे रहे आप। अगर कोई काम हो रहा हो तो हमसे कोई नहीं कहेगा का दे रहे, नहीं से कहे कभैया का दे रहे, का दे रहे आप, का लिखा लिखा दे कजू, हमसे कोई नहीं कहेगा, क्यों जानते इन पर नहीं है। हमसे कहेगा तो क्या कहेगा, आपने खाओ और आप बैठ जाओ आपके सामने, नेक्स्ट ने कहा उपदेश कर दियो, थोड़ी प्रेरणा कर दियो आपके सामने, आपका आपको करने का जी नहीं है, आपको तो बस नेक प्रेरणा करना। तो विचार करना, मनुष्य पर्याय पाकर के भी तपश्चरण नहीं करता, इसका अर्थ क्या है, सोचने समझने की शक्ति मिली है, आत्महित की भावना जगी है, और तू अपना दोष स्वीकार नहीं करता। प्रायश्चित माने पहली से दोष स्वीकार करना, आलोचना निंदा गरहा है, उस दोष की स्वीकार नहीं करता है, अपने को ठग रहा है। क्यों, कभी दोष दूर नहीं होगा, और दोष दूर नहीं होगा तो दुख दूर नहीं होगा,
ऐसे ही क्रम क्रम से प्रायश्चित लगाओ, फिर प्रायश्चित के भेद लगाओ और फिर चिंतन करो। आगम के अनुसार चिंतन करना सीखो। अपनी कल्पनाओं से वैसे ही बैठ गए और जो अपन ने समझ ली वैसी नेक रट ली ने बस, और वो हम तो चिंतन कर रहे, ये चिंतन नहीं है। चिंतन ये है कि ये हमारी परिणति ऐसी निर्मल कैसे बने। विचारना सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप है। अरे पंच साहब क्षमा, अभी तक सचमुच हमें जो बैठे बैठे गलती समझ में आई, तत्काल पूर्ति करते थे लेकिन प्रॉपर गिनती नहीं लगाते थे कि वर्तमान में कितने लोग आ रहे हैं और कितनी व्यवस्था रहनी है, तो तत्काल उठापटक गलती होती थी। अब एडवांस में एक्स्ट्रा सोच चलेंगे। क्या हमेशा एक दो जाते नहीं पंच साहब, मैं सफाई दे रहा हूँ, जब स्वाध्याय में बैठा तो सिर्फ एक व्यक्ति बैठे। आगे से यही ध्यान रखेंगे, पहली गिनती दिमाग में रखेंगे कितने लोग बैठने वाले हैं, उससे दो अतिरिक्त। और अभी एक दूसरी गलती क्या होती पंच साहब लोगों से, यहाँ का और मंगा नहीं है, लकड़ी के अपने पास है, कोई दिक्कत कमी नहीं है, कम है और मंगा। मंगलकारी परम उपकारी हमारे जीवन को निर्मल करने वाले वचन मिल रहे हैं, हमारे दोस्तों का अभाव हो, गुण प्रकट हो, ऐसी मंगल भावना। परम सौभाग्य का अवसर शासन नायक महावीर भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाने का अवसर, उसमें हमारे भाई अवधेश जी का परिवार का ऐसा भाव जगा है कि इस बार की महावीर जयंती हम सब बड़े उत्साहपूर्वक मनाएं। कल सुबह स्वाध्याय के पश्चात उनके घर से मंगल कलश शोभा यात्रा यहाँ पर आएगी और दोपहर में भगवान महावीर पंचकला विधान रखा गया है, ठीक 1 बजे से यहाँ विधान शुरू हो जाएगा। आप सबसे निवेदन है कल दोनों कार्यक्रम में सभी साधर्मी उत्साहपूर्वक सम्मिलित हों, सभी साधर्मियों को जानकारी भी देवें, और परसों भगवान महावीर स्वामी की प्रभावना अपने नगर में होगी उसमें भी सब लोग पधारें ऐसी भावना। मीटिंग नहीं भाई, सवेरे की हो जाए। नहीं सवेरे की नहीं, सवेरे की विमान नहीं करे फिर के रात को नहीं करे, वो दोपहर में नहीं करे। नहीं अब तुम्हारे अकेले से कैसे काम चले, सब जने बैठ के विचार कर दे। वहां जाएगी कि वो मंदिर पे जाएगी, मतलब वो तय तो करने पड़े, वो दुकान पे बैठ के तय करो तो कैसे काम करे।
वस्त्रं धारयन् भवतः पितरौ।